आज मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ जी, डक्की भाई के स्टाइल में। सही सुना, ये मेरा भाई आ गया मेरे पास पूरे 1.5 साल बाद। पर उमर से क्या हाल है? मोहन भाई कैसे हो? उमर है हमारे साथ। मुझे पता अब चले इस बिल्डिंग की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है। मेलो कुर्सी साइड पे करो यार। ओह माय गॉड, बड़ा रिएक्शन। ओए यार, मैंने तो देखा ही है, बस पे दाग लगा है। चल कोई नहीं, किसी ने कौन सा देखना है। ये देखो भैया, आज सडनली हमारी मुलाकात हुई है, इतने से बाद। सडनली रैंडमली, कसम से मैं कह रहा हूँ कि साल के बाद पूरी मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय आबिद बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। हां जी, आज मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं जी, डक्की भाई के स्टाइल में। सही सुना। और आज यार है शादी कैपको के अंदर, और तुम्हारा भाई जा रहा है कैपको अपने दोस्तों से भी मिलने। शादी के बारे में दोस्तों से मिलते हैं, पुराने पुराने बड़ी यार हैं, बचपन के दोस्त हैं। सारा बचपन जो है वो कैपको में ही गुजरा था यार, उन सबसे मिलते हैं और शुगल बोल लगाएंगे। और बस अभी थोड़ी देर तक चलने लगे हैं, अभी जरा एटीएम छटीएम में पैसे वैसे निकाल लें। तो आज मिलवाऊंगा मैं भाई बिल्लू से। वो साहब जो है मेरे बड़े पुराने यार हैं, और आपको मिलवाएंगे जैन से, जिसके पीछे पूरा कैपको दीवाना और पूरा कोटरू दीवाना था। और आपको आज मिलवाएंगे जी द ग्रेट काली के दूसरे भाई से, उमर। साथ में हेनरी का छोटा भाई मून, तो उससे भी मिलवाएंगे अंजी। और आपको आज मिलवाएंगे संजू दी व्लॉगर के साथ, बड़ा ही कोई स्पेशल बंदा है, वो मस्ट मिलवाऊंगा आपको आज। तो अभी हम लोग जो है इधर मस्जिद आ गए हैं नमाज शमाज पढ़ने, और ये फातिमा मेरे साथ है। और बस थोड़ी देर बाद हमने बॉयज से मिलने जाके और फुल हैवी सीन बनाना है। बॉयज से जो मिले हुए मुझे ऑलमोस्ट साल से ऊपर हो चुका है। अपनी जिंदगी के 15 साल लगाए हैं अंजी, मेरा पूरा बचपन कैपको कॉलोनी में गुजरे है। करेंगे, ये मेरी भतीजी है फातिमा। तो आज हम फातिमा से सवाल करेंगे, दीनी और इस्लामी अल्लाह ने शैतान को जन्नत से क्यों निकाला? अच्छा बताओ। अल्लाह ताला ने पहले नमाज पढ़ो उसने पढ़ी, फिर दूसरे दिन अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ो उसे नहीं पढ़ी, उस फिर अल्लाह ताला ने उसको शैतान बना के जन्नत से निकाल दिया। और फिर शैतान ने कहा कि शाबाश शाबाश। बैठ के भाई इसकी मम्मा ने सारा समझाया इसको, लेकिन फिर भी जब सवाल पूछो तो जवाब उल्टा दिया। बता दो जवाब। शैतान ने सजदा नहीं किया अल्लाह ताला ने उसको। किसको सजदा नहीं किया? हजरत आदम ने इस्लाम को। हां जी शाबाश शाबाश। मैंने बिल्कुल सही जवाब बताया उसको, अभी भी देखो भाई ऐसे ही चलता है। अच्छा तो जी, कैपको फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ। अभी हम जा रहे हैं बिल्लू के घर बेल बजाने। बेल दे दिया मैंने, देखते हैं लोग आते रहते हैं कि नहीं आते। और उसका जो है छोटा भाई आया, कह रहे हैं भाई बिल्लू साहब कटने गए हुए हैं, वो देखो। पुरानी हालत है, कैमरे का आगे नहीं आता, ये खुद यूट्यूबर है। अच्छा मिल ले भाई, सलाम तो कर ले। ये मेरा भाई आ गया मेरे पास पूरे 1.5 साल बाद। क्या हाल है बिल्लू? ठीक है। और ये सड़कें हैं कैपको की, और ये ग्राउंड है जहाँ हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, अब दूसरे बॉयज खेल रहे हैं। साथ फिलहाल बिल्लू साहब हैं, और बिल्लू साहब को डेमू लड़ चुका है, मुंह इसका इतना फूल चुका है गुब्बारे की तरह, तो इसीलिए कैमरे में नहीं आ सकता। अभी हम लोग जाएंगे उमर के पास। तो यार सीन इस तरह हो चुका है कि वो जो बिल्लू जो है वो है इस टाइम बड़ी गंदी हालत में, कह रहा है कि भाई मुझे दे 2 मिनट तैयार होने के। यार मैं पहले दे रहा हूँ इसके घर, पता नहीं यार क्यों नहीं रहा, लौंडा नहीं आ रहा। जब से मैं खुद में हूँ ये तब से मुझे गिड़ा रहता है कि वो बंदा है जो कभी भी जिंदगी में टाइम पे नहीं आता। ये मुझे सिर्फ 2 मिनट का बोला था और 10 मिनट लगा जो मेरे पास है जी, लिमिटेड सा टाइम। बिल गेट्स है भाई बिल्लू, तू तेरा इंतजार कर कर के हम थक गए हैं, तूने जो डॉलर देना है मुझे दे दे भाई आके जल्दी। यार आ ही नहीं रहा यार, ये पता नहीं मतलब मूड फक कर दिया इसने मेरा यार सारा। छोड़ो यार मैं नहीं करता व्लॉगिंग। दंद फाड़ता हुआ आ रहा है, 20 मिनट बाद आया वापस। तो बता मैं हो के भी आ गया एक जगह से। कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। बिल्लू बोला था आपको बिल्लू से मिलाऊंगा, और आपको मिलवा दिया। अब मैं आ जा। ओ भाई किचन में पाए गए उमर भाई, कैसे हो?
और भाईजान ये है हमारा तीसरा पर्सन जैन उल आबिदीन, जिसके पीछे पूरा कोटदू था, मैंने बताया है जो कि ये उमर भाई। कैसे उमर? उमर सब क्या है? मोहन भाई कैसे हो? ये को फिट हो जैन भाई। वो व्लॉगिंग आती है? व्लॉगिंग भाईजान, व्लॉगिंग यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो वी हैव टू कंटिन्यू। भाई हमारे कबूतर भी लेके आए जी, बगैर आपके व्लॉग हिट हो। ये देखो यार, ये हमारे कबूतर से बोलते हैं, ये अपने सारे बॉयज हैं, और इन बॉयज के बिना अपनी जिंदगी अधूरी थी, अब मुकम्मल से लग रही है। हाँ जी, बिल्लू की सब लेते हुए बिल्लू साहब कह रहे हैं कि वो स्टोरी लगाते आए दिन, कभी ये स्टोरी लगा रहा होता है लेजों की, पापड़ों की, चॉकलेटों की, लगाता रुपए वाले पापड़ है, मतलब बंदा कोई स्टैंडर्ड के लगाए यार। मैं ये छोड़ के गया हूँ तो संभाला नहीं है तूने, और मुंह तोड़ के जा रहा है। अरे अब्बू इसका एक ही है, वो देखो बिलाल का दीवाना, बिग शो रे मिस्टीरियो की लेते हैं। शुगल तो लगा ही रहना है, चलो इनको बाहर लेके जाते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा तो यार ये घड़ी देखो जी बिलू साहब, ये क्या है? ये भाई बुगाटी की लुक दे रही है कि वो जो $2 मिलियन की नहीं, वो जो हमारे पास है भाई, और पकड़ा जाए फ्रिजों में से, वो देख वो खीरा निकाला है। ओए ये पूरे हफ्ते में उसने गुजारा करना, ये तूने खीरा खा लिया उसका? उम्र है हमारे साथ, मुझे पता अब चले इस बेटे की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, इसकी भी हो गई। भाई जान FSC का लोंडा लग रहे अभी। बिल्लू कुर्सी साइड पे करो यार। ओह माय गॉड, बड़ा रिएक्शन। तू बना ले अपने प्योर की आज से भी। भाई हमारे साथ ये तस्वीरें खींच रहा था, और वो बिल्लू पहली गाड़ी में देखी नहीं, गरीब चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, नहीं बैठ गया, उमर आ गया, बिल्लू आ गया, और ये मून आ गया। और भाईजान मुझे इस टाइम परेशानी है कि गाड़ी का टायर के ना, पहले इतना काले हो साले हो, फिर तस्वीर नहीं आती, लेट उनको एंजॉय करते हैं। बाय बाय टाटा। ओए ये भाईजान सही कहा जाएगा? फोन हिला यार, फिर तूने करंट इशू नहीं है मेरे पास। कहते वाईफाई ले लो फ्री का। भाई यार फिर भी नजर नहीं आना, जैन की तरफ करो जैन। अच्छा तो यार मैं रहता था B13 घर था हमारा, और मैं वहाँ पे कोई 15-16 साल रहा हूँ, मेरा घर होता था। अब मैं जो है इस घर को अलविदा कर चुका हूँ। बिल्लू मुझे यहाँ पे मिला था और रोया था, मुझे अभी भी याद है। ये हमारी पूरी लाइन है, ये अब्दुल मुईद डॉन का घर है, जो कि कितना खूबसूरत बन चुका है माशाल्लाह। सारा बचपन यही गुजरा, यही सड़कों में क्रिकेट खेली है, यहीं पे साइकिलिंग करते थे, यही गजल हुए हैं जी। शादी इंतसाल भाई की, तो इसीलिए हम लोग शादी पर आए हैं माशाल्लाह। हमारे संजू, पहले संजू थी बार्बर थे, अभी से लग रहा है संजू थी ब्लॉगर, उस पर्सन जिससे आपको मिलवाना था मैंने, और अभी ये हमारी कटिंग शटिंग करेंगे और सुमेक्सी किस्म की करेंगे। आप लोग ना करो, मुझे खुश सब्सक्राइब कर देना यार, शुक्र लगा रहा हूँ। तो बड़ी साहब का हम स्टैंडिंग करने लगे, ये क्या बने हो भाई, मुल्तान में रहते हो? छत्ता भाई का सही कर रहे हैं, जा रहा हूँ तो भाई को शादी वादी का मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, इसको नहीं पता भाई, कर देना कर देना। आगे जाओ तो चलिए शुरू करते हैं। क्या स्वाइनिंग बड़े साहब, ये जो छछला है ना, छत्र छत्र करते हैं फिर बात छत्र कर यार, बाल मेरे कह रहा है, रिव्यू बता यार कितने सिक्के बाल है मेरे, मजे ना ले बाल बना। बड़ी साहब इधर देखें यार, मानते हैं प्यारे हो गए हैं आप। अबे है लड़के, क्या बात है तेरी, और प्यारा लग बंदे को, पाकिस्तान में सबसे बड़ा सुपरस्टार कैमरे के पीछे है, सुपरस्टार भी ये भाई हमारे यूट्यूब पे सीनियर है हमारे बहुत, तो ये गाइड करते रहते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, इसके ब्लॉग्स देखो, तो जरूर देखें आप, अगर पसंद है सब्सक्राइब ना हो तो कोई मतलब, मगर बड़े साहब आप सफारिश कर लें, क्या बात है, नीचे लिखा आना होगा संजू दा बार बार लिखेंगे इंशाल्लाह टॉप पे मिलेगा। यही थे हमारे संजू दी बार बार, जिससे मैंने आप था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जूते शूते पहन लिए और तैयारी शारी पट ली है, लेकिन मसला ये है कि मेरे बाल फिर से खराब हो गए, बाल बड़े हैं मेरे,
जेल भी काम नहीं कर रही। किधर आया हुआ कैपको? बाय अली। कैपको आया है और ये शादी खाने आया है। ओए यार मैंने तो देखा ही है, इस पर आग लगा हुआ है। संजू ने बड़े मजे के बाल बनाए थे, लेकिन मैं फिर बाहर बिल्लू के साथ बाइक पे घूमने लगा, मेरे बाल सारे खराब हो गए, लेकिन फिर भी मैंने कंगा शंगा मार कर सेट कर लिया। तो संजू लव यू, संजू दे व्लॉग कर। तब शादी वादी पे हम सब आ चुके हैं साथ है, जी मुसैफा भाई अच्छा नहीं पी रहे हैं, काफ़ी अच्छे बात मिले हैं, बस रैंडमली मुलाकात होगी। यदि ये शादी हॉल है और हमारे सामने बिल्कुल वह दुल्हा साहब खड़े हैं, वह जो मिल रहे हैं, ये दुल्हा साहब हैं और ये बस ये सारे कैप्टो के जानने वाले सारे। मुसैफा भाई आप कब आ रहे हैं फिर भूटान में? कितना जल्द? आप इंतजार बहुत करवा रहे हैं। मेरा फ्राइडे भी ऑफ है, सैटरडे भी ऑफ है, इस संडे से इस वीक ना, इस वीक मैं सवाल जा रहा हूँ, अगले वीक डन करो। अगले वीक मुसैफा भाई आ रहे, अगर नहीं आए तो इनका मैं एड्रेस दे दूँगा, छापा मारना सबने, डन करो। अच्छा मुसैफा भाई मुझे बताएं कितनी ज़्यादा लगी है, तो यकीन कर सुबह का नाश्ता मैंने नाश्ता भी नहीं किया, उठा तो रहा। फिर दोनों भाई मिल के पाड़ेंगे खाना, क्या कहते हैं? क्या ज़्यादा खाओगे, मटन खाओगे कि डिपेंड करते हैं मैंने डिपेंड करता है मैंने पर पैसे फोक्सअप लगी है फुल टाइम खाने से ना, पाड़ के खाना है हमने, खाने का मेन्यू भी सडनली रैंडमली कसम से मैं कह रहा हूँ कि साल के बाद पूरी मुलाकात हुई है और अल्लाह बनी हुई है। मुझे अंदाज़ा भी था कि मुसैफा भाई आए हैं, अगर मुझे पता होता मैं बिल्कुल भी ना आता। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर, लाजमी आता है, लाजमी आता है। मुसैफा भाई हैं हमारे, बड़ी पुरानी हिस्ट्री है इनकी और मेरा दरमियान की दोस्ती की, कभी बताऊँगा डिटेल में, सही है? जब चावल चावल आ गए हैं इसको डालो प्लेट शेड में। वो भाईजान रोटी शोटी सारी मुका ली, मीठा ये मटन शटन सारा मुका लिया, बोतल छोतल बड़ी है, वीडियो बना रहे हैं और फुल पेट भर चुके हैं हमारा। और हमारे सामने मौली बिलाल खड़े हैं। अच्छा मुसैफा भाई बताएं फिर कैसा था खाना? खाना बहुत अच्छा था, मज़े का था, इन्जॉय किया शादी को, आमिर के साथ बैठ के खाया, इन्जॉय किया। हाय हाय हाय, बस यही सुनने में रह गया था। तो बाकी भाई ये मौली साहब आ गए हमारे कज़न हैं, बड़ा बंदा है यार बिलाल, यार मैं बड़ा बंदा हूँ? नहीं नहीं मौली साहब ऐसे छोटे बंदे हैं यार। मुबारक हो यार तेरे माशाल्लाह बेटा है, मुबारक हो, तो दावत तो दी थी कोई नहीं मैनू। खैर बस आज का मतलब यहीं पे था और यहीं पे एंड करते हैं। मुसैफा भाई स्पीक कर रहे हैं तो मुसैफा भाई बोल दें कि भाई अल्लाह हाफिज़ और यार जा एंड करें, मतलब मैं नहीं कर रहा, जा एंड करें अपने अंदाज में एंड करें। अच्छा बोले क्या बोले? तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है और अनएक्सपेक्टेडली मैं आज आबिद से मिला हूँ और बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा मिल के, खाना भी इकट्ठे खाया। इंशाल्लाह तुम्हारे ऑफ होंगे तो मैं प्लान करूंगा मुल्तान का। बाय 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 बाय, बूम चल।